हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, ये जो अपडेट है वो सेंट्रल लेवल की जॉब से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दोस्तों आईबीपीएस की तरफ से जो पीओ की पोस्ट रहती है उसके ऊपर 6432 पदों पर भर्ती करवाई जाएगी। मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि ये जो भर्ती है वो सेंट्रल लेवल की रहती है। तो दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके अलावा जब आपने फॉर्म फिल करना है तो आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इस तरह से ये जो आपकी पीओ की 6432 पोस्टें हैं वो निकाली गई है। उसके अलावा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो आपके फॉर्म्स हैं वो कब तक भरे जाएंगे, 22 अगस्त तक। ठीक है, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये जो आपके फॉर्म्स वगैरह है वो 22 अगस्त तक भरे जाएंगे, और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है आज। ठीक है दोस्तों, कहने का मीनिंग ये है 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जो आपके फॉर्म्स हैं वो भरे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसमें जो क्वालिफिकेशन है क्या रहती है, ग्रेजुएशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगी ग्रेजुएशन रहेगी। उसके अलावा दोस्तों, अलग अलग चीज़ें आपके पास दी गई है, आपका जो सैलरी है वो साथ में वेतनमान के तहत मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों, ये जो आपकी अप्लाई करने की प्रक्रिया रहेगी वो ऑनलाइन ही रहेगी। आगे दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ये जो आपकी अलग अलग पोस्ट है, कौन कौन से बैंक में पीओ की कितनी पोस्ट है। जैसे बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे 535, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2500 है, पंजाब नेशनल बैंक में है 500, पंजाब एंड सिंध बैंक में है 253, यूको बैंक में 550, जूनियर बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे कितनी है 2094, टोटल मिला के कितनी बन गई 6432। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों, इसमें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो दी गई है, इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपकी आयु सीमा है वो क्या रहेगी, 20 से लेकर 30 तक। ठीक है, 20 से लेकर जो 30 एज वाले कैंडिडेट्स हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आगे जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जब आपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है तो आपकी फ़ीस कितनी रहेगी। सामान्य वर्ग के लिए रहेगी 850। ठीक है, ओबीसी के लिए भी 850, इसके अलावा एससी एसटी के लिए 175। तो यहाँ पे आपको जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी पता लग गई। अभी देखिए दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अधिसूचना कब हुई थी, ये 1 अगस्त 2022 को। ठीक है, आवेदन करने की जो थी वो कब से शुरू होगी, 2 अगस्त 2022, और लास्ट डेट क्या है, 22 अगस्त 2022। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये जो आपकी चयन प्रक्रिया है वो किस तरह से रहेगी, सबसे पहले आपका रिटर्न करवाया जाएगा, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात, हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने गूगल पर जाकर सर्च करना है ibps.in। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पर इस तरह से सर्च करना है। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले नीचे दिए गए विभागीय विज्ञापन लिंक को क्लिक करके भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी अवलोकन कर सकते हो आप यहां पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जैसे ही आप ये जो यहाँ पे लिखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे ibps.in, तो आपके सामने एक पेज खुलेगा। ठीक है, उसमें लिखा होगा ऑनलाइन फॉर्म, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद जो आपकी पूरी चीज़ें हैं वो ओपन हो जाएंगी। आपने उसके बाद जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना है। दोस्तों, इसी तरह से आगे की कोई भी अपडेट आती है, आगे भी जो भी जॉब्स वगैरह निकलती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो चाहे वो स्टेट लेवल की हो, उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।